कुछ आप लोग भी जानते हैं, पर लेट मी से इट वेरी क्लियरली बिकॉज कई बार साफ बोलना अच्छा होता है। जम्मू कश्मीर की इकॉनमी थोड़ी क्लोज्ड इकॉनमी रही है। एक तो हिल लॉक स्टेट है, थोड़ा बॉर्डर स्टेट है, इंटरनेशनल के यहाँ दिक्कत हो जाते हैं, कंसर्न है। आप टूरिज्म हिस्ट्री जानते हैं, रिवोकेशन रहा है, उस वक्त कोविड भी आ गया है। बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कंसर्न्स, और मैं रेलवे का आदमी बात कर सकता हूँ, कनेक्टिविटी पुअर होने के कारण कई सारी इंडस्ट्री जो चल रही हैं वो गवर्नमेंट सपोर्ट पर डिपेंड कर रही हैं। अच्छा बुरा मैं जज नहीं करूंगा, पर गवर्नमेंट पर डिपेंडेंस होना लॉन्ग टर्म में थोड़ा लाइबिलिटी हो जाती है बिकॉज गवर्नमेंट कई बार उस स्टेप पर नहीं ले पाती है। हमें मार्केट ओरिएंटेड होना होगा, सब्सिडी ओरिएंटेड नहीं होना होगा। मदद गवर्नमेंट कर सकती है, पर आपके अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए मदद कर सकती है, आपको जिंदगी में साथ नहीं ले चल सकती है। तो जो मदद दी जाती है, शुरुआती मदद दी जाती है ताकि आप चल सकें, मच्योर कर सकें, फिर चलना शुरू कर दें। जो बदलाव 2 साल पहले आया अगस्त में, उसी बदलाव में कई और बदलाव होते चले जा रहे हैं, करी है बदलाव की। हम कश्मीर को और जम्मू को इंडिपेंडेंट देखना चाहेंगे कि ये अपने आप आत्मनिर्भर, जिसको हम आज बोलते हैं, अपने बलबूते पर खड़े हो सके, इनमें किसी सब्सिडी सपोर्ट की जरूरत ना पड़े। ये बात है कि तकलीफें रही हैं तो हमें इनिशियल सपोर्ट देना पड़ेगा, बट उसके बाद उनको आगे चलने की जरूरत पड़ेगी। जो आपने शॉर्ट की बात की, मैंने सिर्फ स्ट्रेंथ्स देखे हैं, वीकनेस देखा है मैंने बिकॉज लोगों ने सफर किया काफी यहाँ पे, कई कारण रहे उसके, उसे हमें नहीं जाना चाहिए। बट आज हम इस प्रोसेस को किक स्टार्ट करने आए हैं कि लगभग 30,000 करोड़ रुपए हम कश्मीर में जम्मू में लगा करके इस जगह को किक स्टार्ट करें इस प्रोसेस को। बट ये किक स्टार्ट करना है, इनको जिंदगी भर नहीं चलाना है। सब्सिडी मिलनी चाहिए शुरुआत करने के लिए, आपको इंसेंटिव मिलनी चाहिए आपको चलने के लिए। जब बच्चा खुद चलना सीख जाए फिर आपको चार चलने की जरूरत नहीं होती है, वो आत्मनिर्भर हो जाता है। तो हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मैं भी वही बोलना चाहूंगा, हम मदद करेंगे आपको चलने में, खड़े होने में, उसके बाद आपको अपनी अपनी यात्रा पूरी खुद करनी है। तो मैं इसी मकसद से आया हूं, हम आपको सपोर्ट देंगे, इंडस्ट्रीज लगा लेंगे, आप जब चल पड़े तो उम्मीद न करें किसी जगह पर देने की जरूरत नहीं। हिमाचल देखें आप उत्तराखंड देखें, उन्हें भी सब्सिडी दिया गया, पैकेज दिया गया, अब उनको जरूरत बहुत कम नहीं रहेगी, अब वो खुद चल सकते हैं। यही मैं उम्मीद करूंगा अगले 10-12 साल में कश्मीर में। हम जो प्रोसेस शुरू कर रहे हैं इंसेंटिव्स के, नए इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के, अलॉटमेंट पॉलिसीज के, एक तो काफी ट्रांसपेरेंसी आए उससे और आपको काफी इंडिपेंडेंस मिले, अपने ऊपर खड़ा होने का भरोसा मिले कि आप किसी से भी कम्पीट कर सकते हैं। आपके यहाँ 2 साल के अंदर में रेलवे लाइन आ जाएगी, आपकी प्रोडक्ट्स बाहर से सस्ते दामों में आने शुरू हो जाएंगे, तो कई इंडस्ट्रीज जो आज चल रही हैं उनको भी दिक्कत आ सकती है। बट इसका अलग अलग पहलू देखिए, आपको तो बाहर का मार्केट एक्सेस मिलना शुरू हो गया जो आज नहीं था, अवेलेबल था। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, हर क्लाउड में एक सिल्वर लाइनिंग होता है, ये वो लाइनिंग है। हर अपॉर्चुनिटी एक थ्रेट है, हर थ्रेट एक अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए तैयार होने की जरूरत है। तो हम कोशिश कर रहे हैं अगले 2-3 साल में आप इस पोजिशन पर आ जाइए कि अब आप अपने आप कम्पीट कर सके, ना कि हम बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारे लो है हमारी इंडस्ट्री चल सके। हम उम्मीद करते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों से कि वो इन्वेस्ट करेंगे और बाहर के लोग भी आकर इन्वेस्ट करेंगे जिसको होम बेस बनाएंगे। यहाँ कैपिटल की थोड़ी शॉर्टेज होती है, बाहर कई बार कैपिटल होता है, इंटरनेशनल कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो भी आना चाहती हैं आपके यहाँ। हम खुले दिल से उनको बुलाना चाहेंगे क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो लोकल लोगों को मिलेगा, हमारे स्किल्ड लेबर से जो कश्मीर के यूथ हैं, जम्मू के यूथ हैं, पढ़े लिखे हैं। आपके यहाँ शायद जम्मू अकेला एक शहर है किसी पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में, जहाँ एम्स है, IIT है और IIM है, इतने ITIs खुले हैं। कश्मीर के बच्चे से पूरे हिंदुस्तान में काम करते हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं बेचारे, लड़कियाँ हैं, कॉन्फिडेंट लोग सब हैं। इन्हें मौका अपने स्टेट में रहने का मिलेगा, ये वक्त आ गया उसी शुरुआत का। मैं एक आपसे बोलना चाहूँगा, वाजपेयी साहब बहुत बड़े हमारे हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत कश्मीर को बहुत एफर्ट दिया। ऐसा पैकेज जो हमें आज प्राइम मिनिस्टर ने दिया है या हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, हिंदुस्तान में कभी किसी स्टेट को नहीं मिला था। मैं ये आपको सीधा डायरेक्ट वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, ये जो लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, कभी किसी स्टेट को इतना पैसा नहीं दिया गया था। कभी किसी स्टेट को नहीं दिया गया था मतलब इतना फंडिंग लिबरल किसी ने देखा तक नहीं है। हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ऑन फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो आज किसी भी स्टेट से 2 गुना ज्यादा है। आप अगर 100 करोड़ लगाएंगे आप 350-400 करोड़ ले जाएंगे और बाकी स्टेटों में आपको ये 150 से 200 करोड़ के बीच में रह जाएंगे। हम 2 गुने की बात कर रहे हैं, छोटे मोटे डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा पैकेज है हिंदुस्तान में किसी स्टेट को कभी नहीं दिया गया था। मैं कश्मीर के बारे में बात करूं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर लेता हूं आपसे, और न दिया जाएगा शायद इतना लिबरल पैकेज। आप 100 लगाएं 400 ले जाएं, ये गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है आपको। अगर सिर्फ प्रोडक्शन का मामला होता तो हरियाणा, पंजाब, यूपी बहुत जगह है, ये इंसेंटिव वहां दे देते,
वो प्लेन्स में है, गैंगेटिक प्लेन्स में है, वो आपको इतने रिमोट स्टेट में इतने पहाड़ चढ़ के आने की जरूरत शायद ना थी। तो गवर्नमेंट ये पैसे कहीं की भी दे देती तो वो इंडस्ट्री लग जाते। ऑफ कोर्स हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी बात है, हमें डेवलप करना है, बट सब कुछ साथ लेके चलना है। तो डेवलपमेंट के सिर्फ प्रोडक्शन की बात होती है, हम कहीं भी कर लेते हैं, हम कहीं भी दे देते हैं। अब दूसरी बात पे आते हैं, ये जो इंसेंटिव्स है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स है, ये जमीन और फैक्ट्री के छत बनाने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं, आप या घर बनाने के लिए दिए जा रहे हैं। ये आप मार्क करें 80% इंसेंटिव जीएसटी फॉर्म में है, वो तभी मिलेगा जब जीएसटी पे करेंगे, दैट मीन्स आप प्रोडक्शन करेंगे। ये आप नकली प्रोडक्शन, मैंने बिल्डिंग खड़ी कर दी उसके अंदर मशीन नकली लगा दी और मुझे पैसे दे दो, ये वो इंसेंटिव स्कीम नहीं है, ये प्रोडक्शन लिंक्ड है। आप अगर पैसे लेंगे बैंक से, इंटरेस्ट पे करेंगे, तो आपको हम सबवेंशन देंगे। इसलिए जो पूरा पैकेज है ये सोच के बनाया गया है कि कई बार पास मिसयूज बाकी स्टेट्स में भी हुआ है और यहां भी हम शायद वो गलती ना करें, तो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है। तो ये पैसे आपको तभी मिलेंगे जब प्रोडक्शन मोड में चले जाएंगे। अब तीसरा मसला आपने बोला एम्प्लॉयमेंट का, किसी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का पहला मकसद होता है लोगों को खाने को मिले, नौकरी करने को मिले। हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री को हम केटर कर रहे हैं सबको हम ले ही लेके आ रहे हैं, हमारा एक बड़ा हाई स्क्रूटनी एजेंडा रहेगा एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ लोकल यूथ। अब एक एग्जाम्पल दूँ, ये इंडस्ट्री इंसेंटिव के बाद की बात कर रहा हूँ, हम दो आईटी टावर बना रहे हैं फिलहाल 50-50 करोड़ खर्च करके, एक जम्मू में एक श्रीनगर में। हमारे श्रीनगर के यूथ या वैली के यूथ है, जम्मू के यूथ बैंगलोर में काम करते हैं, पुणे में काम करते हैं, चेन्नई में काम करते हैं। अगर मैं उन कंपनीज की ब्रांच यहाँ खोल दूँ इंसेंटिवाइज करके, फ्री स्पेस दे करके उनको अच्छी तरह से, तो वो यहीं के तो यूथ तो काम करेंगे। हमारे जैसे अर्न सी एन की टीम है, पीडब्ल्यूसी की टीम है, सब जम्मू कश्मीर के बच्चे काम कर रहे हैं, कोई बाहर से नहीं आए काम कर रहे हैं। टीम लीडर बाहर के बाहर को तो बच्चे ही के होते हैं, बिकॉज उन्हें भी तो लोकल लोग चाहिए जो काम कर सके बेचारे। तो जो आपने बात की, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है वो मैनुअल लेबर मोड में आती है, वो हमारे स्टेट से आती है, यूपी बिहार से आती है, आपके कश्मीर के लोग मैनुअल लेबर नहीं करते हैं, और सही बात है, उनका अपना लेबर दूसरा है। हम उस लेवल पर अब नहीं आ रहे हैं। जम्मू को अलग तरह की इंडस्ट्री चाहिए, सर्विसेज चाहिए, श्रीनगर को अलग तरह की चाहिए, जो जिसको सूट कर सके वो करे। लेबर चाहिए आपको, बट वो तभी जब आपके लोग अवेलेबल ना हो। मुझे आज भी मालूम है कश्मीर मैनुअल लेबर का कॉस्ट हाई है, और वो मैनुअल लेबर मिलना भी आसान नहीं है आपको। आपके यहाँ स्किल्ड माइंडसेट है, हम वो इंडस्ट्री लेके आए, आईटी लेके आए, सर्विसेज लेके आए, होटल्स लेके आए, आपके रूरल बीपीओ लेकर के आए, तो ताकि बच्चों को ये नहीं लगे मैनुअल लेबर करना पड़े, वो नहीं करना चाहते, मेरे लोग नहीं करना चाहते। तो वी आर ट्राइंग टू एड्रेस दिस इशू बाय मेक इट क्लियर दैट इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ डिजायरेबिलिटी ऑफ क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, व्हिच इज अ बिग टारगेट फॉर मी। ये प्रोडक्शन लिंक्ड है, बट वो गलत काम रोकने के लिए है, प्रोडक्शन किसी और स्टेट में कर लेते, बट प्राइमरी टारगेट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, हमें लोगों को मेन स्ट्रीम में लाना है। मैं ये बताना चाहूंगा जम्मू कश्मीर के लोगों को, आपका भविष्य एक बढ़ते हिंदुस्तान के साथ है, आप उसके हिस्सा हैं, आपको इसमें बहुत मौके मिलेंगे। वो मौके जो बाहर के लोगों को मिलते हैं आपको भी साथ मिलना चाहिए। कश्मीर स्पेशल स्टेट है, मॉडर्न स्टेट है, इसका एक इतिहास रहा हुआ है, बट अब वक्त आया है कि आप इसके बेनिफिट्स हमारे सिस्टम को देखिए कि आप कैसे सब लोग साथ एक साथ बढ़ सकते हैं, कोई पीछे ना छूटे। आप अगर ध्यान से मेरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ेंगे तो पूरे स्टेट के लिए है, बट आप जानते हैं जो फोकस आया क्या आएगा, वैली में ज़्यादा सर्विसेज सेक्टर के लोग आएंगे, बिकॉज आपका यूएसपी वही है, और बिकॉज थोड़ा हिललॉक्ड एरिया, ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था, और जम्मू में थोड़ा प्रोडक्शन में तरह के लोग आएंगे। वैली में वेलनेस टूरिज्म है, आपका बहुत डेवलप नहीं है, बस आफ्टर श्रीनगर पहले का कुछ नहीं मिलता है हमको। मैं और दूर जाकर शांत रहना चाहता हूँ, मैं क्वाइट खोजता हूँ, जैसे सुचारण में खोजते हैं। तो हमारे पैकेज में आप अगर मार्क करें, सर्विस का काफ़ी बड़ा कॉम्पोनेंट है, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, आपके आईटी स्पार्क्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, नर्सिंग होम्स के लिए, तो सर्विसेज बहुत बड़ा पार्ट है। इंडस्ट्री को आप सिर्फ प्रोडक्शन यूनिट से मत जोड़िए, सर्विसेज मेरे पैकेज में इंक्लूडिंग हेरिटेज रेस्टोरेशन, इंक्लूडिंग फिल्म टूरिज्म, इंक्लूडिंग फिल्म शूटिंग इक्विपमेंट, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, जिम्स और टेक्निकल इंस्टीट्यूट, सबको प्रमोट कर रहे हैं। फार्मेसी स्कूल खुले, नर्सिंग होम्स खुले, ये हमारा एफर्ट है। तो सर्विसेज पे भी काफ़ी जोर है, जो मुझे लगता है कश्मीर का जो नेचर है वो सर्विसेज सूट ज़्यादा करता है। तो हम कॉन्क्रीट जंगल नहीं बनाएंगे, बहुत फ्रजाइल इकोलॉजी होता है हिल स्टेट्स का, इसे रखना चाहिए, ये हमारी विरासत है, हमें इसे रखना चाहिए। आप चार सीमेंट फैक्ट्री खोले क्या कर लेंगे, जिसको सीमेंट फैक्ट्री जहाँ अच्छी सस्ती बनती वहाँ से आप सीमेंट लेंगे। आप इस वादी को खूबसूरत रखिए, इकोलॉजी रखिए, ये फैसला आपको करना है, हमको करना है मिलकर बैठ के।
बट जो सूट करती है इंडस्ट्री वो सर्विसेज सेक्टर में ज्यादा सूट करती है, प्रोसेसिंग सेक्टर में सूट करती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, हेल्थ वेलनेस टूरिज्म है, वो सब चीजों में आती है, फोकस वहां रहेगा। पर देखिए हम साथ चलेंगे आपके, द रिस्पॉन्स इज ओवरवेलमिंग, इनफैक्ट टू द एक्सटेंट कि मैं सबको लाना नहीं चाहूंगा। कुछ जैसे आपने कहा कि कॉन्क्रीट जंगल, वो स्मोक स्प्यूइंग फैक्ट्रीज आने का मतलब क्या होता है इस फ्रेजाइल एरिया में, हम सेलेक्टिव होना चाहेंगे। तो हम थोड़ा रुक के चले, सही लोगों को लेकर के आए, थोड़ा फिल्टर करें सही लोगों को। रिस्पॉन्स काफ़ी अग्रेसिव है। जो उत्तराखंड के और हिमाचल के पैकेजेस एक्सपायर कर गए हैं, अब छोटे हो गए हैं, मैंने कहा आपको हमारा दोगुना बेटर पैकेज है उससे, अब हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं। पर मुझे सब लोग नहीं चाहिए, जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स होते हैं, गलत लोग होते हैं, जो गंदी इंडस्ट्री लगाएंगे। हमें अच्छे साफ इंडस्ट्रीज चाहिए जो स्टेट को इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ग्रोथ दे सके। तो काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। मुझे काफ़ी ट्रैवल करना पड़ रहा है, मैं इससे भागता जा रहा हूँ, अभी कुछ पॉलिसीज बनने में था, उलझा था उस मामलों में, मैं दिल्ली जाना पड़ रहा है, मिलना पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्वेरीज आ रही हैं। ऐसा पैकेज आज तक इंडिया में नहीं आया था। और मैंने एक अपनी पैकेज बनाई है जो मैं पावर पॉइंट प्रदर्शन बना रहा हूँ, तो लोग क्या जानते हैं, एक तो इंसेंटिव आपने देख लिया, मैं 350 मिलेंगे, ये अच्छी बात है, आप मुझे बिजली देंगे, मुझे वर्क शोर करना है। कश्मीर में बिजली का रेट हिंदुस्तान का सबसे सस्ता रेट है इंडस्ट्री का, हमारा 3.85 रुपये है, और नॉर्मल स्टेट में 7.5 रुपये से शुरू होता है रेट, 6.5 से 7.5 रुपये से शुरू होता है, आप आधे पे आ गए। हमारे यहाँ जमीन में 40,000 रुपये एकड़ पे, या आप 3-4 रुपये कनाल बोलिए, उस पर हम साल भर खरीद देते हैं। इनफैक्ट अगर मुझे मिलता तो मैं भी एक फुटबॉल के लिए अपने प्रैक्टिस के लिए लेता, क्योंकि कोई जमीन तो होती, आपको अपार्टमेंट महीने का नहीं मिलता है आपको, हम उस रेट पर जमीन दे रहे हैं। जमीन एक्विजिशन की पावर हमें लीगल पावर से काफ़ी सारी मिल गई है। जो सबसे बड़ा मसला कश्मीर में होता है या जम्मू में होता है, वो लॉ एंड ऑर्डर का होता है। हम और आपको परसेप्शन छोड़ दें, हम डेटा बेस बात करें, क्राइम रेट इज अमंग्स द लोएस्ट। यस, ये मैं डेटा से बात कर रहा हूँ, एंड कंपेयर टू, आई एम नॉट नेमिंग स्टेट्स, आई एम ओनली क्लोज टू हिमाचल अंदाज सोर्स जहाँ बाहर आते हैं। तो ये परसेप्शन अलग बात है, फैक्ट अलग बात है, दोनों में बहुत फर्क होता है। आपके यहाँ आम क्राइम बहुत कम होता है, आम मर्डर्स कम होते हैं, ये मैं फैक्चुअली प्रूव कर रहा हूँ। आपको क्या चाहिए? आपके हमने लाइसेंस दे दिया पहले इनलैंड कंटेनर डिपो को सांबा में, दूसरा हम कठुआ में देने जा रहे कंटेनर कॉर्पोरेशन को, दुबई पोर्ट से हम डिस्कशन मोड में चले गए, उनको आने की बात थी, कि अब वैली में, अब मैं लोगों को वैली में ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब रेलवे लाइन आ जाएगी, आपकी लाइन चल रही है, आप बताइए जब 2 साल के पहले जब खुल जाएगा आप कहाँ रहेंगे उस दिन? आपकी फैक्ट्री रेडी होनी चाहिए, लाइन खुली आपका काम चालू हो गया, तो हम ड्राई पोर्ट क्रिएट कर लेंगे, आपको एक्सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कश्मीर वैली से एक्सपोर्ट कर लेंगे सीधा अमेरिका इंग्लैंड, हाँ भाई आपको चले जाएंगे आप। तो ये चीज़ें जो आज तक नहीं थी। आप देखें 2-3 पहले हफ्ते में श्रीनगर आया था, हमने नाइट फ्लाइट लॉन्च कर दी थी, मैं रात को एयरपोर्ट गया था, मैं भी कल दूसरी फ्लाइट से जाऊँगा 8 बजे रात से, जो आज के यहाँ 30-40 साल में नहीं हुआ वो आपको महीने भर में दिख रहा है। जम्मू में अगले महीने शुरू हो जाएगा, ये बदलाव है, ये एक नई सुबह की सुबह। तो मैं आपको दिखा रहा फैक्ट्स दे रहा हूं, मतलब मैं ये करूंगा नहीं बोल रहा, ये हो चुका। इसमें आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इंडस्ट्री तभी आएगी जब वह कुछ कमा पाएगी, या मानेंगे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट तो अपने पैसे बर्बाद करने के शुरू में आएगा नहीं। इंसेंटिव और नो इंसेंटिव, मेरा इंसेंटिव प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन लिंक्ड है, दैट मींस इफ यू डोंट प्रोड्यूस यू डोंट गेट एनीथिंग, क्योंकि जेब से प्रोड्यूस करेगा नहीं, जीएसटी तो बाद में, पहले सामान तो बिक जाएगा उसका, तभी जीएसटी का भी बचा पाएगा। कोई भी इंडस्ट्रीज तभी आएगा जो उसको डिमांड हो। कश्मीर की पॉपुलेशन आप 50-60 वैली की बात करें, जम्मू की 50 लाख होती है, ये छोटा सा, मैं बिहार का हूँ जहाँ 10 गुना आबादी है, 13 करोड़ आदमी रहते हैं, आपका डिमांड बेस तो नैरो है हमारा, बहुत कम। तो कोई बड़ी बड़ी जो ओवरवेलमिंग इंडस्ट्रीज हैं क्यों आएंगे यहाँ पे? ये तो होगा नहीं साहब, हम बना के यहाँ से बिहार सामान भेजेंगे, नहीं होने वाला। आबादी यहाँ की कम है जम्मू कश्मीर की, 1 करोड़ 12 मिलियन 13 मिलियन होती है। तो ये प्रोडक्शन बेस बनाना, इसको जो हम डरते हैं वो डर नहीं होना चाहिए। आपकी जो कश्मीर की यूएसपी है, जम्मू की यूएसपी है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कहीं नहीं है। ऐसी वादियाँ, ऐसा पानी, ऐसे फल, ऐसे ट्राउट, ऐसे सैमन कहाँ मिलेंगे हमें? हम उसके लिए आते हैं। गेहूं चावल मैं पंजाब से खा लूंगा, बिहार से खा लूंगा, मुझे यहाँ गेहूं चावल फीड नहीं लगाने हैं। आपका यूएसपी है, एवरी कंट्री प्लेज अपॉन दैट पार्ट। जो हमने एक स्कूल से पढ़ी है ट्रेड की थ्योरी, लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, आप क्या अच्छा कर सकते हैं? हुआ केसर तो आप उगाते हैं, बिहार में तो नहीं उगना है, गुजरात में तो नहीं उगना है, वो आपके यहाँ आएगा, आलमंड आपके यहाँ आएगा, वॉलट्स आप करेंगे, टूरिज्म आपके यहाँ होगा, आप बिहार के खेत घूमने जाएंगे? नहीं जाएंगे आप। तो मैं वही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ,
ये ओवरवेल्म नहीं हुए होगा बिकॉज प्रोडक्शन के लिए बहुत दुनिया में जगह है, आपके वही इंडस्ट्रीज आएंगे जो आपको कंजम्पशन दे सकती है सस्ते रेटों पे, या आपका मार्केट, हमारी मार्केट साइज बहुत बड़ी नहीं है जम्मू कश्मीर की, तो ये फिर हमें नहीं होना चाहिए। जो लोग आएंगे वो इंसेंटिव का फायदा उठाने की वो बाकी बाहर भेज सकें, बट जम्मू का अलग नेचर होगा डेवलपमेंट का, वैली का अलग होगा, ये मान के चलना चाहिए। बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो लोग चाहें वही हो, इंडस्ट्री में तो सेक इंडस्ट्री नहीं होती है, कोई इंडस्ट्रीज अपने पैसे नहीं लगाता है आपकी मदद करने के लिए, उससे अपने लिए पैसे चाहिए, आप सोचिए वो आपके यहाँ क्यों आएगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। कोई ये इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म नहीं शुरू हो रही है, वो गलत है। और इम्पोर्टेंट बात, ये पैकेज सबके लिए है, किसी आउटसाइडर के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। जो हमें जी साहब से डायरेक्शंस मिले हैं, जो हमारे कश्मीर और जम्मू की हमारी हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिशंस हैंडलूम ट्रेडिशंस है, काफी फोकस करना है। आपके मार्केटिंग इश्यूज हैं, आपके मार्केट लिंक इश्यू हैं, आपके आर्टिजन समझते हैं कि अभी डिमांड इंटरनेशनली क्या है, हम ये बनाते आ रहे हैं इसे बिकता रहेगा, ये अब थोड़ा मुश्किल वक्त आ गया है, आपको मार्केट लिंकेज प्रोवाइड करने हैं। हम कई लोग साथ काम कर रहे हैं मार्केट लिंकेज बढ़ाने के लिए, इनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए। आपने एक वेबसाइट देखा होगा कश्मीर बॉक्स डॉट कॉम करके आता है, अच्छी बात है, बहुत चीज़ों को बाहर भेज रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, समझा रहे हैं लोग क्या होता है, थोड़ी मार्केटिंग इश्यूज हैं हम रिजॉल्व कर रहे हैं। आपने कोविड वाली बात की, हमें डायरेक्शंस ये मिले हैं कि हमें डायरेक्ट इंटरवेंशन फॉर जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स कॉर्पोरेशन के थ्रू डायरेक्ट आर्टिजन से हम परचेज करते हैं, उसको हम स्केल अप करें, उनको दिक्कतें आई हैं, ये एक डाइंग आर्ट हो रहा है, अगली जनरेशन नहीं आएगी इतने कम पैसे रहेंगे तो, और एक जनरेशन गैप को आप दोबारा कभी नहीं क्रिएट कर पाएंगे इस चीज़ को। हम उनको सपोर्ट देंगे, हम अपना मार्केट इंटरवेंशन बढ़ा रहे हैं, भले हमको इन्वेंट्री कैरी करना पड़े, बट हम डायरेक्ट सब्सिडी हमने दिया है, जो प्रधानमंत्री ने हमें पैकेज दिया था जो कोविड में मिला, बहुत लोगों का फायदा हुआ उससे, खाने मिले, पैसे मिले, हमें भी पैकेज देना पड़ेगा अपने लोगों को जो हमसे डायरेक्ट परचेस करें, हम उनकी आपको उनकी आत्मसम्मान पर ठोस ना पहुंचाएं, आप एक काम कम पैसे देंगे आपको, आपने अगर प्रोडक्ट बना लिया है तो आपने कहा कि जो बीच के मिडिल मैन आते हैं वो सब हो जाते हैं, हम डायरेक्टली थ्रू हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन उनसे सामान लेंगे और उनको इनकरेज करेंगे, हमें जरूरत ना हो तब भी हम उनसे लेंगे, ताकि उनको एक हम मदद कर सके, मार्केट इंटरवेंशन हम कर सके। इस मामले में बहुत सारे मसले हैं, हैंडीक्राफ्ट बहुत लंबा इलाका है, बट इसको प्रिजर्व करने की जरूरत है, हमारे देश की विरासत है, धरोहर, इसको हम छोड़ नहीं सकते। हम लोग काफी सारे एक्सपोजिशन एग्जीबिशन में लग रहे हैं, बिकॉज खरीदना तो लोगों का, तभी तो मार्केट इन्वेंट्री नहीं, गवर्नमेंट एक पॉइंट तक इंटरवीन कर सकती है, नॉट बियॉन्ड अ पॉइंट, बिकॉज हमें आप ही का पैसा खर्च करना है, तो हम अपने आप मन से उड़ा नहीं सकते इस चीज को, तो हमने मार्केट इन्वेंशन शुरू कर दी है, हम अपने लोगों का, अब जब वेयर स्कूल शुरू हो गए, हालांकि दोबारा कोविड का एक बार फिर से आ गया है, प्रॉब्लम हमारी शुरू हो गई है, बट बीच में हमने अपने मार्केट एक्सपोजर करना शुरू कर दिया, लोगों को बाहर भेजना शुरू किया, क्राफ्ट मिला ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, बट थोड़ा कोविड का इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज अब ये हम एक पॉइंट तक इंटरवीन कर पाएंगे, 50-100 करोड़ लगा पाएंगे, उसके बाद तो मार्केट को 500 करोड़ लेना पड़ेगा, बिकॉज पैसा तो आपका है, तो थोड़ा कोविड में दिक्कत सबको है, हम लोग को भी दिक्कत है, हम मार्केटिंग नहीं कर पा रहे जो होना चाहिए, हमारे फेयर्स एग्जीबिशन नहीं लग पा रहे हैं, बट वी आर अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इट, एंड एनी सजेशंस आर वेलकम। आपका देखिए एप्पल का फ्यूचर, बिकॉज द ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर नाउ ओपनिंग अप, विल अंडरगो अ मैसिव चेंज नाउ, बिकॉज वंस वी कैन ट्रांसपोर्ट अ प्रोडक्ट टू दिल्ली इन 24 आवर्स, एट 1/4 द कॉस्ट दैट यू आर डूइंग टुडे, डू यू थिंक दैट विल नॉट चेंज द मार्केट, रेडिकली चेंज द मार्केट। देखिए आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब अंग्रेजी इंडिया में रेलवे लेकर के आए तो उससे बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया, अच्छा भी आया बुरा भी आया, अच्छा बिकॉज कई चीज़ें नहीं आई आप इस चीज़ें बाहर जा सकें, बुरा बिकॉज कई चीज़ गलत आ गई आप इस चीज़ें लेके उठा करके आपके यहाँ से, बट एक इम्पैक्ट आता है, ये डिसरप्टिव इम्पैक्ट होता है। आपके यहाँ क्या होगा, वाइल आउटसाइड प्रोडक्ट्स में ऑल्सो कम इन चीपली, यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स ऑल्सो वेरी चीपली आउटसाइड, आपकी मार्केट एक्सेस बहुत बढ़ जाती है। आप जानते हैं जो ट्रक्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, रेफ्रिजरेट होते हैं, आपके एप्पल्स लंबे सर्वाइव करेंगे, चेन्नई पहुंच जाएंगे आपके एप्पल्स 3-4 दिन के अंदर में, बिना हाई कॉस्ट के आपने कंटेनर पैक किया, रेफ्रिजरेटर बड़गाम में पैक किया, आपको 4 दिन में चेन्नई पहुंचा दिया उसने आपके यहाँ, ये आज आपको संभव नहीं था। आपको हाईवे हफ्ते में 3 दिन बंद हो जाता है, लैंडस्लाइड हो गया, रोडे बनने शुरू हो गई, दिक्कत हो जाता है, ये प्रॉब्लम आपको नहीं है, ये भी बड़ी इलाज आएगी, तो आपका जो मार्केट एक्सेस आपने बोला एग्रीकल्चर का सब्सटैंशियली इम्प्रूव कर जाएगा, दुनिया बदल जाएगी आपकी, जो आज तक सदियों में नहीं हुआ, हजारों साल में नहीं हुआ, वो अब 2 साल में होने वाला है। और रेलवे हैवी लोड मूव करती है, आपकी जो सबसे बड़ी कश्मीर की दिक्कत है लैंड लॉक की दिक्कत है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, ये मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका 2 साल के अंदर, ये बहुत बड़ी बात होगी। टू इश्यूज, आई एम अ हिस्ट्री ग्रेजुएट माई सेल्फ, सो आई एम समबडी हु एडमायर्स हेरिटेज,
I worked in the Ministry of Culture. I'm a history guy from St. Stephen's College, not an economics graduate. So I am a graduate later, but I'm a history graduate first. So history is my passion. I have incidentally worked with Intact for 2 years after finishing my schooling, because even Patna has a lot of heritage issues out there. So I'm passionate about it. Then I went to Ministry of Culture also. So I worked with Intact in that area also, because they do admirable work, great amount of work. So we should admire what they're doing. Consciously in this package, we have kept the heritage segment that we will fund the restoration of heritage buildings through this package substantially. So we will encourage whatever restoration can happen. Industries come in, especially where can they get heritage hotels. You see what happened, how a derelict fort became a talked about town, how the economic summit happened, Neemrana summit hona shuru ho gaya. Guess that is the way forward. Restore your old heritage issues, convert them to commercial property, where I can also admire and use that property, not just see from outside as a tourist spot, but where I can live in, have meetings. That's why I gave the example of Neemrana. A derelict fort became a talked about place, and a lot of people now started going into it. I've stayed there. How admirable the project is. You know, Frank Weisel and Amarnath had done the restoration. We should look at that model. We'll fund substantially, but they need to be commercially viable. So conversion into a hotel or convention center or something which can be approved is what we are looking at. Where Mehmood Saab bol rahe the, he wants to take over some buildings in some project, smart city project, and make them handicraft showroom. Heritage should house them. आपने देखा वहाँ हैंडीक्राफ्ट शोरूम जो रेजिडेंस साहब का घर है ब्रिटिश का था पहले. दोज आर थिंग्स वी शुड डू. दे शुड बी लिविंग सिंबल्स, नॉट डेड जस्ट रिस्टोर फॉर द म्यूजियम सेक. पीपल शुड वॉक इन टू इट, बाय हेरिटेज थिंग्स फ्रॉम देयर एंड फील गुड. आई फेल्ट सो गुड गोइंग टू दैट हाउस मस्ट हैव हैड सो मच ऑफ हिस्ट्री, रेजिडेंस हाउस, एंड येट आई कैन बाय अ कार्पेट आउट देयर. दिस इज व्हाट द फ्यूचर वुड बी. गवर्नमेंट विल फंड द राइट प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेक्ट देम टू बी वायबल इन लॉन्ग टर्म.